वेलकम फ्रेंड्स, माय फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है आपका एनी टाइम क्लासरूम। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट का पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय फाउंडेशन क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग लेने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको आने चाहिए और कुछ एग्जांपल्स हैं जो मस्ट हैं, वो तो आपको आना ही चाहिए, वो क्या है नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम। एक्चुअली में गति का नियम का प्रतिपादक कौन है, यानी कि ये स्टार्ट किसने का, ये लॉस दिए किसने, ये दिए हैं आइजक न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन, ये तो आप सब जानते हो। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि आइजक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन को अपने किस बुक में दिए। वो दिया है प्रिंसिपिया नामक एक बुक में, इन्होंने एक बुक लिखा है प्रिंसिपिया, उसी बुक में लॉज ऑफ मोशन का डिटेल मिलता है और इन्होंने उसी बुक में लॉज ऑफ मोशन लिखा है। ठीक है, इस बुक को इन्होंने पब्लिश कब किया था, इन्होंने पब्लिश किया था 1687 में, 1687 में इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया। नाम था प्रिंसिपिया, जिसमें इन्होंने दिया है लॉज ऑफ मोशन। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं प्रिंसिपिया बुक किसका है, तो ये है सर आइजक न्यूटन, तो आप ये चीज याद रखो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक्चुअल में लॉज ऑफ मोशन हैं क्या क्या और वे लॉज कौन कौन से हैं। पहला गति का नियम यह कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ये सब आप सब जानते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन वो है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वह रेस्ट में हो या मोशन में हो, वह जिस हालत में रहती है उसी हालत में रहना चाहती है। ठीक है, जिस पोजीशन में रहती है उसी पोजीशन में रहना चाहती है, यही है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, अब जड़त्व का नियम क्या होता है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहती है कि जो वस्तु जिस पोजिशन में है उसी में रहना चाहती है। इसीलिए न्यूटन का पहला नियम इक्वल टू जड़त्व का नियम, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज इक्वल टू लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया किससे रिलेटेड है, न्यूटन के पहले नियम से। लेकिन यहां से आपसे ये इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया, यानी इनर्शिया किसने दिया। ये न्यूटन ने नहीं दिया है, ये दिया है गैलीलियो ने। इनर्शिया किसने दिया है, इनर्शिया दिया है गैलीलियो गैलीली ने। तो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया है गैलीलियो गैलीली ने, लेकिन न्यूटन का पहला नियम और गैलीलियो गैलीली का लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों सिमिलर है। इस कारण से हम लोग बोलते हैं न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम भी है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से आपका पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। इस नियम से बल एवं जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। आपसे बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बल से परिभाषा, बल का परिभाषा कहां से प्राप्त होता है, न्यूटन के किस नियम से। तो अभी आपको ये सिंपल लग रहा होगा, जब सामने आता है क्वेश्चन तो ये डिफिकल्ट लगता है। तो बल का परिभाषा हमको मिला है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से। ठीक है, इसके बाद आएगा एक बल का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, बल का परिभाषा हमको कहाँ से मिला है, तो ये मिला है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से। और जड़त्व का परिभाषा ये भी हमको मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से। इसके बाद है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी दूसरा गति का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन हमेशा बल की दिशा में होता है। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम में जो भी चेंजेस आएंगे, वह जो भी उस पे बल कार्य कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, वह उसके समानुपाती होगा यानी प्रोपोर्शनल होगा। जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही मोमेंटम में चेंजेस आएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि जिस हिसाब से फोर्स लगेगा उसी हिसाब से उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। ये कौन सा लॉ कहता है, ये कहता है न्यूटन का दूसरा नियम। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि मोमेंटम में जो भी चेंजेस आएंगे, यानी कि संवेग में जो भी परिवर्तन आएंगे, वह उस ऑब्जेक्ट पर लगाए गए बल के समानुपाती होंगे। ये कहता है न्यूटन का दूसरा नियम। इस नियम से बल का व्यंजक या माप प्राप्त होता है। तो इस नियम से क्या होता है कि बल यानी फोर्स का
फॉर्मूला हमको मिलता है F इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला हमको किससे मिलता है? ये मिलता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। यही मैं बोल रहा था, यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, अभी इजी लग रहा होगा लेकिन एग्जाम में समझ भी नहीं आता है कौन सा नियम होगा। एक आता है फोर्स का डेफिनेशन, तो फोर्स का डेफिनेशन न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है, यानी फोर्स का परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है, और फोर्स का फॉर्मूला ये हमको न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। आप इस दो पॉइंट को याद रखो, फोर्स का फॉर्मूला और फोर्स का डेफिनेशन, डेफिनेशन फर्स्ट लॉ और फॉर्मूला सेकेंड लॉ। तो इस दो से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन के किस नियम पे डिपेंड करता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी न्यूटन के दूसरे नियम से रिलेट करता है, ठीक है। इसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी तृतीय गति के नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तथा दोनों भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये क्या होता है? ये होता है कि अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसे फोर्स लगा रहे हो, तो इसके तरफ से आप पे फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है। देखो वस्तु भी अलग अलग हो गया, यही बोल रहा है कि अलग अलग पिंडों पर आप लगा रहे हो इस दीवार पे और दीवार लगा रहा है आप पे, इस दोनों का वैल्यू क्या होगा? तो आप अगर 10 न्यूटन लगा रहे हो तो ये भी 10 न्यूटन लगाएगा, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वैल्यू क्या हो जाता है? -10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है कि प्रत्येक एक्शन का एक अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है, यानी F=F1=F2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि F1=F2 क्या है, F1 ये है और -F2 ये है। ये कहता है न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट के प्लान न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तो रॉकेट के प्लान से आपको दो चीज़ याद रखना है, ऐसे मैं फिर बाद में इसका अलग से बताऊंगा कि रॉकेट का नियम दो चीज़ पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा वो है? वो है न्यूटन थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण। तो दो सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है, कौन कौन सा? न्यूटन का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम। तो ये था न्यूटन का वो तीन नियम जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा। ये बहुत ईजी हैं और आप सब इससे पहले भी वाकिफ होंगे और आपको अच्छी तरह से आता होगा। बस दो या तीन पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, वो परिभाषा किसे मिलता है, फोर्स का फॉर्मूला किसे मिलता है, और न्यूटन का तीसरा नियम पे एग्जांपल एक मैंने भी बताया रॉकेट वाला। लेकिन अब है मेन चीज़ जो आपको याद रखना है, वो है सबका एग्जांपल्स, क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है, एक आपको काम दे दिया जाएगा, एक एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपको ये पूछेगा कि न्यूटन के किस नियम पे काम करता है, और फंस जाते हो आप वहाँ। तो मैं कुछ एग्जांपल्स बताने जा रहा हूँ जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जो भी एग्जांपल मैं बताऊँगा वो सब आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से कोई भी आ सकता है, तो आप इसको याद रखना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का अगर बात करें तो हम लोगों ने भी कहा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इक्वल टू लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, यानी न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के बराबर है। अब जड़त्व यानी इनर्शिया, इनर्शिया दो तरह का होता है। एक होता है, मैंने अभी क्या बोला था, कोई वस्तु अगर खड़ा है तो वह खड़ा रहना चाहेगा, कोई चल रहा है तो वह चलता ही रहना चाहेगा, यानी इनर्शिया दो तरह का हो गया। एक हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी विराम जड़त्व और गति का जड़त्व। अगर वस्तु रेस्ट में रहना चाहती है तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और अगर वह चलते रहना चाहती है तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, सिंपल है। लेकिन आपको जो अभी मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करके अच्छे से रख लो। अब देखो पहला एग्जांपल क्या है, कांच के ग्लास पर एक पोस्टकार्ड रखकर उसके मध्य में एक सिक्का रखकर कार्ड को एकाएक झटके से खींच लेने पर सिक्का ग्लास में गिर जाता है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्या कांच का एक ग्लास है, उस ग्लास पे एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, इस पे एक सिक्का रखा हुआ है। अगर आप कार्डबोर्ड को बाहर खींच लेते हो तो ये सिक्का यहीं पे गिर जाता है, ना कि ये कार्डबोर्ड के साथ नीचे उतर जाता है। क्यों? बस यही आपसे पूछा जाएगा, इस पे न्यूटन का कौन सा लॉ काम कर रहा है। अब सब लॉ आप पढ़ के बैठे हुए हो लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा यहाँ पे क्या लगाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आप इसको अच्छे से याद कर लो, समझ लो, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो ये यहाँ पे रखा हुआ था, आपने कार्डबोर्ड खींच लिया, लेकिन ये तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा क्योंकि अभी ये रेस्ट में है,
इस कारण से यहीं पे ये गिर जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, इसमें हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब पहला चीज तो आपको ये आएगा किस लॉ पे काम कर रहा है, फर्स्ट लॉ हो जाएगा। फर्स्ट लॉ में दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अब आपको अगर डिटेल पूछ लेगा तो वहां पे ये पूछ लेगा कि इनर्शिया ऑफ मोशन काम कर रहा है या इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है। वहां काम कर रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण यह सिक्का नीचे गिर जाता है। तो आप बस जितना मैं बोल रहा हूँ आप इसको याद रखते जाओ नोट डाउन करके, कि एक ग्लास पे एक पोस्ट कार्ड रखा हुआ है, उस पे एक सिक्का रखा हुआ है, आप खींच लेते हो तो किस लॉ के कारण वह उसमें डूब जाता है, तो वह है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, रुकी हुई बस या रेलगाड़ी में खड़ा व्यक्ति गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की तरफ गिरने लगता है। यहां से दो पॉइंट आपको याद रखना है, एक क्या होता है आगे की तरफ गिरता है या पीछे की तरफ गिरता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुकी हुई बस या रेलगाड़ी में खड़ा व्यक्ति गाड़ी के अचानक चलने पर क्या होता है, आगे की तरफ गिरता है या पीछे की तरफ गिरता है। तो वह पीछे की तरफ गिरता है, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। ठीक है, तो अगर रुकी हुई बस या रेलगाड़ी में एक व्यक्ति खड़ा है, ये मान लो ये बस है और इसमें एक आदमी खड़ा है, बस अचानक से आगे चल जाती है, तो आप सब फील भी करते होगे ना, अगर बस में आप खड़े रहते हो तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ बना, वो पीछे की तरफ झुक जाता है। पर क्यों पीछे की तरफ इसलिए झुक जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है और उसमें से इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है, क्योंकि ये खड़ा था। किसी कोट या कंबल की धूल को डंडे से झाड़ा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी दो तीन एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि किसी कोट या कंबल की धूल को डंडे से झाड़ा जाता है, इसमें कौन सा लॉ काम आता है। तो यह है न्यूटन का प्रथम नियम और उसमें भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, आप इसको रट लो। ठीक है, तो ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उसको आप खींच लेते हो सिक्का नीचे गिर जाता है। दूसरा क्या है, रेल या बस में आदमी खड़ा है तो आगे बढ़ने पे आदमी पीछे झुक जाता है, यह इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। और तीसरा है, कोट या कंबल पर अगर धूल जमा हुआ है आप उसको डंडे से मारते हो तो धूल निकल जाता है, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के कारण। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल था, आप इसको याद रखो। अब हम लोग देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का कुछ उदाहरण। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या क्या होता है, इसमें पहला एग्जाम्पल है, तेजी से चलती हुई बस या रेलगाड़ी के एकाएक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। यानी अगर कोई बस चल रही है और उसमें अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और वह अचानक से ब्रेक मार देता है तो आदमी क्या होगा, आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अचानक से बस चलना चालू कर देती है तो वह पीछे की तरफ झुकता है। और अभी क्या है, अभी है चल रही बस में अचानक से ब्रेक लग जाता है तो आदमी आगे की तरफ झुक जाता है, ये किसके कारण, तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। फर्स्ट लॉ तो ही अभी चल रहा है, हम लोग का भी फर्स्ट लॉ चल रहा है, अगर आपको ब्रॉडली पूछेगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में आएगा, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर जाओ तो उसके अंदर दो डिवीजन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हम लोगों ने तीन देखा, अभी हम लोग देख रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो चलती हुई गाड़ी है अचानक से रुक गई तो आदमी आगे की तरफ झुकेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। दूसरा है, किसी चौड़े नाले को पार करने के लिए दूर से दौड़कर आना पड़ता है जिससे गति प्राप्त हो जाती है और पार करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में नहीं आएगा ये क्या है, तो आपको ये याद रखना है क्या है कि चौड़े नाले को पार करने के लिए दूर से दौड़कर आना पड़ता है और जिसके कारण गति प्राप्त हो जाती है और पार करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या है कि मान लो ये एक नाला है, आपको ये पार करना था, आप क्या करते हो, यहाँ से दौड़ के आते हो उसके बाद छलांग लगाते हो। क्यों, क्योंकि अगर आप इनर्शिया का बात करो तो आप मोशन में हो अभी और आप यहाँ पे अचानक से रुक के कूदते हो, यानी आपको वो आगे की तरफ ढकेलता है, इसलिए आपको एक मोशन मिलता है जिसके कारण आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण नाला पार करने में हेल्प मिलता है। तीसरा है, तेजी से चलते हुए ट्रक को ब्रेक लगाकर अचानक रुकने पर ट्रक में लदा सामान आगे आ जाता है। सेम है, आदमी आगे झुक जाता था या सामान आगे आ जाता है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने से कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो अभी पूछे जा रहे हैं। ऊपर भी हम लोगों ने रेस्ट क्या पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, कोट या कंबल से जो धूल निकालते हैं डंडा से। दूसरा इसमें ये बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं पे पत्थर से मारते हो तो कांच टूट जाता है। क्यों होता है ऐसा, तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण कांच में
जब हम लोग गोली से प्रहार करते हैं तो ये एक छेद करके गोल छेद करके निकल जाता है, लेकिन जब पत्थर से मारते हैं ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का एग्जांपल्स जो आपको याद रखने ही रखने हैं। अभी अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान है, किसके कारण? यह है न्यूटन के दूसरे नियम के कारण। क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम से हमको क्या मिलता है, दूसरा नियम से हमको मिलता है F इक्वल टू एम ए। अब देखो ए तो दोनों का समान होने वाला है, अगर समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद और टेनिस की गेंद है तो इसमें से टेनिस गेंद को कैच करना आसान है, क्योंकि टेनिस गेंद का मास कम है इसलिए वो कैच करना आसान है, क्योंकि वो फोर्स कम लगाएगी। नहीं तो अगर आप क्रिकेट का गेंद को कैच करते हो तो आपको ज़्यादा फोर्स से वो प्रहार कर रही है आप पे बॉल, और आपको उसके लिए थोड़ा सा टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो चोट आपको बहुत जोर से लगेगी। इस कारण से आपको टेनिस का बॉल को कैच करना आसान फील होता है। तो ये कौन सा नियम पे है, तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना एग्जाम में, आपको मैं अभी समझा दे रहा हूँ, अगर याद ना आए तो आप इसको रट लो, क्योंकि न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये होता है, और दो या चार बार अगर आपको आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हो तो आपको सारा लॉ एक जैसा लगता है, क्योंकि आपके ऑप्शन में तो तीनों लॉ रहते हैं दिए हुए। अब आप वहाँ पे तुक्का लगाने की कोशिश करते हो, अच्छा लगता है मुझे ये होता होगा इससे, नहीं वो नहीं करना है आपको, ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आना होगा तो इसी सब में से आएगा, ठीक है, और नहीं आएगा तो इससे सिमिलर आएगा। जिसे हम लोगों ने अभी देखा था कि अगर ट्रक पे कोई बोरा रखा हुआ है तो उसके साथ क्या होगा, और ट्रेन पे कोई आदमी है तो उसके साथ क्या होगा, ये सिमिलर है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। और दोनों रेलवे में ही क्या हो, एसएससी में भी ये पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में टेनिस को कैच करना आसान है, क्योंकि उसका मास कम होता है और ये न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से काम करता है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे, या न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार, तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार। एक कैच लेने वाला खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे कर लेता है, क्योंकि जिस मोशन से बॉल आ रहा है और जिस फोर्स से आपके हाथ पे वो प्रहार कर रहा है, आप अगर उसको लेके पीछे चले जाते हो यानी आपका हाथ भी मोशन में आ जाता है, जिसके कारण उसका फोर्स थोड़ा कम हो जाता है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है, न्यूटन के किस नियम के कारण, तो ये है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन के दूसरे नियम के कारण अगर आप गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरते हो तो आपको कम चोट लगती है, अगर सीमेंट पर गिरते हो उसके बनिस्पत। तीसरा एग्जाम्पल है, गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे, किसके कारण, न्यूटन के दूसरे नियम के कारण। न्यूटन का दूसरा नियम यह कहता है कि अगर गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्बर लगाया जाए तो झटके कम लगेंगे, ठीक है। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना, अब कोई कराटा खिलाड़ी है वह अपने हाथ के प्रहार से ईंटों का पट्टी तोड़ देता है, किसके कारण, कि न्यूटन के दूसरे नियम के कारण। ऊंची कूद यानी हाई जंप एवं लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट ना लगे, तो मिट्टी हल्की कर दी जाती है खोद के, क्यों, ताकि कूदने वाले को चोट ना लगे। और किस नियम के कारण ऐसा किया जाता है, न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण। देखो कितना इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और कॉमन एग्जाम्पल है, आपको लगेगा कि ये तो मुझे आता है, पर आप एक बार गेस करके देखो आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण ही ऐसा होता है कि हाई जंप और लॉन्ग जंप के नीचे मिट्टी को खोद दिया जाता है। अगला है, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है, अगर कील को अधिक गहराई तक अगर गाड़ना है तो भारी हथौड़ा से प्रहार करना पड़ता है, इसपे न्यूटन का कौन सा नियम काम करता है, इसपे न्यूटन का दूसरा नियम काम करता है। अब बहुत सारे केस इसमें ऐसे आते हैं जो न्यूटन का तीसरा नियम लगा देते हैं, ठीक है, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लगा देता है, तो आपको वो सब नहीं करना है, आपको जितना एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आप उसको याद कर लो। क्या है कि अगर अधिक गहराई तक कील को गाड़ना है तो आप भारी हथौड़ा का यूज करते हो, क्यों, क्योंकि इस पे न्यूटन का दूसरा नियम काम कर रहा है, बस आपको इतना याद रखना है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला अगर क्रिकेट का गेंद और टेनिस का गेंद आए तो टेनिस के गेंद को कैच करना आसान है न्यूटन के दूसरे नियम के कारण। दूसरा, क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है, अपने हाथ को पीछे ले लेता है ताकि उसको चोट कम लगे, उसको आसानी हो कैच करने में, किस नियम के कारण, दूसरे नियम के कारण। तीसरा क्या था,
मिट्टी पे गिरते हो आप और दूसरा कॉन्क्रीट पे गिरते हो, तो आपको मिट्टी पे गिरने में कम चोट लगता है, किसके कारण? न्यूटन के दूसरे नियम के कारण। गाड़ी में स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्बर यूज किया जाता है ताकि झटका कम लगे, किसके कारण? न्यूटन के दूसरे नियम के कारण। और आगे था कराटे के खिलाड़ी हाथ से प्रहार कर ईंटों की पट्टी को तोड़ देता है, किसके कारण? न्यूटन के दूसरे नियम के कारण। और लास्ट हमारा एग्जाम्पल था हाई जंप और लॉन्ग जंप में मिट्टी को खोद के हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे, उसमें न्यूटन का कौन सा नियम काम आता है? न्यूटन का दूसरा नियम काम आता है। ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट थे, आप इसको नोट डाउन करके रख लो और एक या दो बार आप पढ़ो, मस्ट पढ़ो एग्जाम से पहले, तो ये मस्ट है आपके लिए। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हम लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे तीसरा नियम। पहला एग्जाम्पल है बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है, इसका कारण क्या है? आप बंदूक से गोली छोड़ रहे हो, आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, सेम है ना, देखो आप इधर फोर्स काम कर रहा था, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब कौन सा नियम काम आएगा? तो न्यूटन का तीसरा नियम, बंदूक छोड़ते समय में आपको झटका लगता है न्यूटन के तीसरे नियम के कारण, ठीक है। अगला है घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी पर पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाता है और गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। क्या कहा जाता है? घोड़ा गाड़ी में घोड़ा अपने पैर से पृथ्वी को पीछे की तरफ दबाता है, जिसके कारण घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ता है, तो इसमें न्यूटन का कौन सा नियम काम आता है? न्यूटन का तीसरा नियम, क्योंकि ये पृथ्वी को पीछे की तरफ ढकेलता है और पृथ्वी उसको आगे की तरफ ढकेलता है, ठीक है। तो तीसरा नियम को याद रखना थोड़ा ईजी है, क्योंकि यहाँ पे आप विजुलाइज कर पाते हो कि ये इसके कारण हो सकता है। देखो लॉ ऑफ इनर्सिया भी याद रखना इजी था, क्योंकि वहां आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि इसके कारण ये होता है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप वहां पे विजुलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए सेकेंड लॉ को आप अच्छी तरह से याद करो, आपको याद तो सारे रखने हैं पर सेकेंड लॉ को आप अच्छी तरह से याद कर लो, फर्स्ट लॉ को आप अगर थोड़ा सा विजुलाइज करके देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा और थर्ड लॉ भी समझ में आ जाएगा, लेकिन सेकेंड लॉ ये जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए आप उसको याद कर लो। अभी दो एग्जाम्पल देखा थर्ड लॉ का हम लोगों ने, ये दोनों एग्जाम्पल आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि एक फोर्स इधर लगती है, दूसरा फोर्स उसके अपोजिट में लग रहा है, सिंपल है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थर्ड लॉ पे काम कर रहा है। वैसे ही घोड़ा गाड़ी, घोड़ा पृथ्वी की तरफ ढकेलता है तो पृथ्वी उसको आगे की तरफ ढकेलता है, यानी अपोजिट फोर्स काम कर रहा है और सिमिलर है दोनों का अमाउंट, तो ये हो जाएगा थर्ड लॉ। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है, रस्सा कस्सी में लड़कों की दो टोलियों के द्वारा खींचे गए रस्सी में से एक टोली के लड़कों का खिंचाव क्रिया तथा दूसरे टोली के लड़कों का खिंचाव प्रतिक्रिया कहलाता है। आपको ये समझ लेना है, यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं, ये किस नियम के कारण? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। क्या बोला जा रहा है, ये मान लो रस्सी का खेल हो रहा है, इसमें से कुछ लोग इसको इधर खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, तो अगर ये इधर खींच रहा है तो अगर इसको बैलेंस बनाए रखना है तो इसको इधर खींचना ही पड़ेगा, ठीक है, और अगर ये मूव नहीं करवाना है तो जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स इसको इधर लगाना होगा। अब देखते होगे कि उसमें से ये मूव नहीं होता है, ये अगर पहली बार ये खींचना चालू किया है तो ये ज्यादा बल नहीं लगाता है और कम बल भी नहीं लगाता है, इसका टेंडेंसी यही होता है कि ये सिर्फ इधर आ ना जाए, तो ये देखोगे आप ना तो इधर ज्यादा मूव करता है ना इधर ज्यादा मूव करता है, यानी अननोइंगली ही सही, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, अमाउंट इक्वल हो जा रहा है दोनों तरफ फोर्स का, और हम उतना ही फोर्स उस वक्त लगाते हैं जितना ये खींचता है। अगर ये वाला बाद में खींचना स्टार्ट किया तो ये उतना ही बल लगाएगा जितना ये लगाएगा, अगर ये अपने बल को बढ़ाएगा तो ये भी बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन जब ये नहीं बढ़ा पाता है तो ये इधर खींचा जाता है, ठीक है। तो आप देखते हो कुछ समय तक वो दोनों बैलेंस करके रखता है इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, खींचने वाला क्रिया हो गया और जो उसको डिफेंड करता है यानी जो उसको खींचाने से रोकता है वो प्रतिक्रिया हो गया। अगला है रॉकेट, ये तो बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रॉकेट, रॉकेट का उड़ना या किस लॉ के कारण होता है? न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। और इसमें कौन सा नियम है? तो अभी मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो दो ऐसे नियम, दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं जिसमें ये दोनों काम आता है। एक आपका बंदूक, बंदूक वाले में भी आपको दोनों लॉ काम आते हैं और एक ये रॉकेट, ठीक है। तो ये आपसे बहुत बार पूछे गए, बंदूक में भी दोनों काम आता है, मोमेंटम का कंजर्वेशन यानी संवेग संरक्षण और न्यूटन का तीसरा नियम। ये दो लॉ हैं और दो एग्जांपल हैं जो आपको याद रखना है क्योंकि इसमें दोनों काम आता है। अब रॉकेट में एक्चुअली होता क्या है, जब रॉकेट का ईंधन जलता है
तब यह अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलता है। मान लो ये है रॉकेट, तो रॉकेट में जब जलना चालू करता है इधर इसका धुआं बहुत जेट के रूप में निकलता है, जिसके कारण ये देखो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, अगर ये जमीन की तरफ फोर्स लगाएगा तो जमीन इसके तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये धुआं यहाँ पे आके जमीन पे फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है जमीन और रॉकेट उड़ने को मजबूर हो जाता है और रॉकेट उड़ जाता है। यही है न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। इसके बाद फिर संवेग संरक्षण का नियम इस पे काम करता है और वह उड़ता है, तो जेट के रूप में निकलता है। ये गैसें रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे तीनों नियम के, जो आपको याद रखने हैं। देखो लॉ तो आप जानते हो और उसमें बहुत कुछ है नहीं, उसमें तीन पॉइंट था आपको याद रखना था, वो मैंने बताया। अब उसके बाद मेनली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखता है वो है ये एग्जाम्पल्स, तो आप सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।